मानव सेवा के लिए समर्पित पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य विषय पर जागरूकता कार्यक्रम में इस दिन मानव सेवा के लिए मानव की भूमिका की व्याख्या की गई। समाज निर्माण व मानव कल्याण में केवल और केवल मानव का ही योगदान है। जब हम किसी समाज के कल्याण की बात करते हैं, तब उस समाज से जुड़े हर मानव का उल्लेख स्वतः हो जाता है। मानव सेवा किसी विशेष व्यक्ति, संप्रदाय या भौगोलिक क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जीवन से जुड़ा होता है। इस मानव जीवन को सुदृढ़, व्यवस्थित और स्वस्थ बनाने का जिम्मा हम नागरिकों का ही है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है इन नागरिकों का जागरूक होना। ऐसा नहीं है कि हम सभी समाज कल्याण का भावना नहीं रखते। यहाँ मुख्य कारण यह है कि सुनियोजित व्यवस्था और कार्य पद्धति के अभाव में हम कहीं न कहीं चूक जाते हैं। अतः समय समय पर हमें अपने दायित्वों को समझने समझाने की आवश्यकता पड़ती है। इसी उद्देश्य से आज पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य आईपीएस डॉक्टर राजेश कुमार की प्रेरणा, विधाननगर पुलिस कमिश्नर आईपीएस एलएन मीना के अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने का सफल प्रयास युवा शक्ति अखबार के प्रधान संपादक सुधांशु शेखर ने किया। इस मौके पर स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए युवा शक्ति के प्रधान संपादक सुधांशु शेखर ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण और मानव सेवा में हम सभी को अपना भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। इसी के साथ उन्होंने सामाजिक कार्यों के समर्थन में युवा शक्ति अखबार की भूमिका का भी उल्लेख किया एवं महानगर के महानुभावों को इस परिकल्पना में सहयोग करने का आह्वान किया। जैसा कि राज प्रभा जी ने बताया और इस आज का जो ये मीटिंग है, आज का जो कार्यक्रम है, वो पर्यावरण और मानव सेवा पर आधारित है। आप जानते हैं कि पर्यावरण किस तरीके से हमारे जीवन को, अगर हम लोग इसकी रक्षा करने के लिए तत्पर नहीं हुए तो नरक बना के रख देगा। पर्यावरण के बारे में हमारे आदरणीय डॉक्टर राजेश कुमार बताएंगे आपको कि किस तरीके से पर्यावरण की रक्षा में हम सब लोगों को एकजुट होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। जहां तक युवा शक्ति का सवाल है, युवा शक्ति, आप जानते हैं कि तमाम ऐसे जो सामाजिक कार्य होते हैं, उस सामाजिक कार्यों में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जहां कहीं भी आप कोई भी ऐसे सामाजिक कार्य या फिर जो देश दुनिया की उन्नति के लिए कार्य समर्पित हो, उसमें हमको आप याद कीजिए, मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए हमेशा कर संकल्पित हूं। दोस्तों, दो पंक्तियां आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि चढ़े हिमालय के शिखरों पर फिर भी आगे चढ़ना है, हमें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय करना है। ये जो पूरी परिकल्पना है, परिकल्पना ये चाहते हैं कि ये जो विधाननगर क्षेत्र है, इसको पॉल्यूशन फ्री क्षेत्र कैसे बनाया जा सकता है और यहाँ का एक एक व्यक्ति कैसे मानव सेवा के लिए जुड़ सकता है, ये हम लोगों का मुख्य ध्येय है। हम चाहते हैं युवा शक्ति इसमें प्रमुख भूमिका निभाए और हम उसकी प्रमुख भूमिका निभाने के लिए संकल्पित है। दो पंक्तियां और कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर नहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। इस मौके पर डॉक्टर राजेश कुमार ने सभी को स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन की अग्रिम शुभेच्छा दी और लोगों को छोटी छोटी प्रयासों को बड़ा अभियान बनाने की योजना का उल्लेख किया। समाज के हर वर्ग को इस अभियान के तहत कैसे जोड़ा जाए, इस पर भी उन्होंने अपना विचार रखा। मैं सभी को, सभी का अभिनंदन करता हूं और अपने स्वतंत्रता दिवस की और रक्षाबंधन की अग्रिम हार्दिक शुभकामना भी देता हूं। आज का विषय जो सुधांशु जी ने बताया कि मानव सेवा एवं पर्यावरण, जिस विषय पर मेरे को बोलने के लिए बोला है कि पर्यावरण में हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कुछ कुछ जो काम हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए मेरी एलएन मीना जी से और सुधांशु से बात हुई थी कि कैसे हम लोगों के छोटी छोटी कोशिश को साथ में लेकर के कैसे हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। वहीं विधाननगर के पुलिस कमिश्नर एलएन मीना ने मानव जीवन के महत्व एवं कर्तव्यों पर विशेष जोर देते हुए मानव को पर्यावरण का केंद्र बताया। उन्होंने बताया किस प्रकार मानव अपने विचार एवं कर्मों के आधार पर पर्यावरण को स्वर्ग और नरक बना सकता है। इसी के साथ उन्होंने समाज में समन्वय के साथ जीवन व्यतीत करने का भी मंत्र दिया। सृष्टि का सबसे उत्तम प्राणी
उस परम शक्ति ने मानव को बनाया है और इस सृष्टि का विधिवत रूप से नियंता बनकर के मानव इस सृष्टि का संचालन कर रहा है। इस कार्य से अगर मानव सेवा को हम लोग लक्ष्य बनाए तो बाकी प्राणी और बाकी जितने भी वनस्पति है उनमें संतुलन स्वाभाविक रूप से बना रह पाएगा। सबसे पहला तो यह है कि हम लोग मानसिक रूप से इतने प्रदूषित हो चुके हैं कि हम श्रम को मानव मानने से ही कार्यक्रम में पधारे विधाननगर अंतर्गत पार्षद देवाशीष जाना ने पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम के विभिन्न कारणों एवं उपायों को तार्किक रूप से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान बच्चों को प्रारंभ से ही देने की आवश्यकता है जिससे कि इस समस्या का जड़ से निदान हो सके। मानव सेवा के लिए समर्पित पर्यावरण शिक्षा और स्वास्थ्य पर आधारित जागरूकता कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने अपनी अपनी योजनाएं एवं संकल्प प्रस्तुत की। इस मौके पर विधाननगर के पुलिस कमिश्नर व पश्चिम बंगाल के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव IPS डॉक्टर राजेश कुमार से कुछ खास बातचीत पेश है। मानव सेवा खास कार्यक्रम के तहत आज जो पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण की जो बात है उस मुद्दे पर पर्यावरण पर जो वायु प्रदूषण हो रहा है, जो वातावरण प्रदूषण हो रहा है, इस मुद्दे पर इस गहन चिंतन करने के लिए नई नई परियोजनाएं लेने के लिए आज एक खास कार्यक्रम युवा शक्ति अथवा की ओर से की गई। तो ये अतिथि मुख्य अतिथि के रूप में आज उपस्थित हुए हैं जो पुलिस कमिश्नर है विधाननगर के श्री लक्ष्मी नारायण सिंह जी। उनसे जानेंगे कि इस जो मुद्दा आज उठाया गया इस मुद्दे को किस प्रकार से आगे भविष्य में इसकी योजनाबद्ध तरीके से आगे ले जाया जाए। युवा शक्ति का प्रयास बहुत ही सराहनीय है जिसके माध्यम से हम उद्देश्य ये रहा है कि लोगों को अवेयर करें, अवेयरनेस के माध्यम से सबको इसमें जागरूक करें। यहाँ पर आए उनका भी अपना जो विचार आप लोगों ने सुना कि इसको बहुत माइक्रो लेवल पर हम लोग ले जाने का प्रयास करें। सर क्या मानव सेवा के लिए क्या क्या और बढ़कर जो मानव सेवा जो विकल्प लिया गया है इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ योजनाएं जो ग्राउंड जीरो पर किस तरह से इसको आगे बढ़ाए होंगे। तो ध्यान शिविरों का आयोजन किया जाएगा, एक इसमें लोगों को समझाने के लिए कार्यशालाएं की जाएगी, दूसरे मानव सेवा के लिए जैसे गरीब लोग हैं उनको किस तरीके से इस पर डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया प्रदूषण के रोकथाम में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा क्या कुछ बताया उन्होंने आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सारी म्युनिसिपैलिटीज को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अपने साथ जोड़ रहे हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट कि घर से जो कचरा निकलता है उसको सेग्रीगेट किया जाए, सेग्रीगेट करके जिससे कि उसको वेस्ट टू एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया जा सके, उसका खाद बनाया जा सके, उसका अच्छा यूज हो सके। जो कचरे का पहाड़ इकट्ठा हो रहा है उसकी जगह एक बहुत बढ़िया उसका यूज किया जा सकता है। साथ ही जैसे आज के कार्यक्रम में भी आपने देखा कि बहुत से लोग अकेले इस दिशा में बहुत से प्रयास कर रहे हैं, कोई बच्चों को लेकर के पेड़ लगा रहा है, तो कोई सफाई वाला ऐप लॉन्च कर रहा है, तो कोई खाने का प्रोग्राम जहाँ बच जा रहा है उसका संपादन कैसे हो इसके ऊपर कार्य कर रहा है। हम जितने लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं अपने तरीके से उन सबको अपने साथ जोड़ करके एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमने इसका पूरा अध्ययन किया है कि ये एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इनका सोर्सेज क्या है, कहाँ से ये सब चीज़ें पैदा हो रही हैं और इसके निवारण का तरीका क्या है। तो इसके लिए हम विधाननगर महानगर पालिका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, कमिश्नर ऑफ पुलिस विधाननगर को, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एवं कलकत्ता पुलिस कमिश्नर और सबको साथ में लेकर के हम एक कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें जो रोड साइड इंजरीज में जो लोग कोयले का, सॉलिड फ्यूल का, लकड़ी का इनका इस्तेमाल करते हैं उनको बदल करके बिजली के जो इंडक्शन प्लेट्स हैं, इंडक्शन कुकर है या गैस बेस्ड सिस्टम उनको लेके आए, जो 15 साल की पुरानी गाड़ियाँ हैं वो कैसे बाहर हो, पोल्यूशन जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, जो
कचरे को जलाया जा रहा है, यत्र तत्र जो जलाया जा रहा है उस पर कैसे हम लोग नियंत्रण ला सकें, साथ ही साथ जो धूल जो उड़ती है रास्ते में जो गाड़ियों के चलने से, और तो जिसके कारण PM10 PM2.5 लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोगों के लंग्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसके लिए जहाँ एक तरफ उसको नियंत्रण करने के लिए क्या क्या जो तरीके हैं उनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जो पेड़ लगाने का जैसा कार्यक्रम जिससे कि ज़्यादा ऑक्सीजन हो, इसका संचार हो, इसके लिए काम करने के लिए हम लोग इन सब दिशाओं में काम कर रहे हैं। सर, आपने मंच पर अभी कहा कि जो फुटपाथ पे जो लोग दुकानें लगाते हैं या फिर और जो गरीब लोग हैं उनके पास गैस नहीं है, वो जो कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो ये इस आंदोलन को किस तरह से ले जाएंगे, लोगों को कैसे समझाएंगे, क्या कुछ योजना है इसके लिए? जो हमने देखा है कि लोग बदलना चाहते हैं और साथ ही साथ जहाँ प्रेरणा स्रोत खुद पुलिस कमिश्नर खुद होंगे और आप युवा शक्ति जैसे कार्यक्रम के साथ जुड़े जो लोग हैं, मानव सेवा के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो जब साथ में होंगे तो हमें उनकी शक्ति भी हम अपने साथ जोड़ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो इसके विरोध में हैं, उनके पास इसका विकल्प नहीं है, वो विकल्प हम दे रहे हैं, तो जब विकल्प होगा तो हर आदमी उसको उसके ऊपर काम करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इस कार्यक्रम में उपस्थित उद्योगपति ओम प्रकाश झांझारिया ने इस कार्यक्रम को महानगर का सबसे बड़ा अभियान बताया। मैं सर्वप्रथम युवा शक्ति राजेश जी और सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये अति सुंदर ये जो हमने जो कार्यक्रम किया है आज, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया अभियान चला है जो मैं सोचता हूँ कि कलकत्ते में सबसे बड़ा अभियान चलेगा, पर्यावरण को लेकर जो हमारी युवा शक्ति की सोच है वो एकदम दुर्लभ है। इस मौके पर श्यामलाल अग्रवाल ने पेड़ों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। नया विचार पर्यावरण के लिए, वैसे भी पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा है, वैसे हमारे सॉल्ट लेक तो पोल्यूशन फ्री है लगभग, और सॉल्ट लेक बहुत ही मतलब यहाँ पर बसें बहुत कम हैं, बहुत पेट्रोल की गाड़ियाँ बहुत कम, इसलिए पोल्यूशन फ्री है। और रही बात पर्यावरण की, तो पर्यावरण तो देखिए मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, और अभी करोड़ों पेड़ पूरे देश में और बच्चों के द्वारा, स्कूल के स्टूडेंट के द्वारा चालू है, और ये मानव सेवा जो युवा शक्ति ने के नाम पर इस तरह का जो कार्य किया है या करने जा रही है या आगे की उनकी योजना है, उसको मैं समर्थन करता हूँ। एक और लायंस क्लब नवनिर्माण के प्रेसिडेंट नारायण प्रसाद सरावगी जी ने कहा, वर्तमान दौर में मानव सेवा का अत्यधिक आवश्यकता है, जिसे देखते हुए आज का यह कार्यक्रम काफी प्रासंगिक हो उठता है। आज के समय में पर्यावरण की जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, लोगों को जीना कितना है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों, सदस्यों व अतिथियों ने युवा शक्ति के इस पहल की सराहना की एवं भविष्य में इस परियोजना को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। कोलकाता से राजेश की रिपोर्ट, युवा शक्ति। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।